हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यू एन ए यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में आपको जो है 10 इमेज ऑप्टिमाइजेशन टिप्स बताने वाला हूं, जो कि मैं पर्सनली अपने ब्लॉग पर यूज़ करता हूं। और आप सभी को भी ये जो टिप्स हैं ये फॉलो करनी चाहिए, ये कि मैंडेटरी है अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी एक वेबसाइट है तो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी एक वेबसाइट है तो उस पर आप मीडिया कंटेंट ज़रूर से यूज़ करते होंगे, जैसे कि इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, इन्फोग्राफिक्स हो गई। ये हमारी वेबसाइट पर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपकी वेबसाइट पर मीडिया कंटेंट से आपकी वेबसाइट पर इंगेजमेंट बनती है। अगर इंगेजमेंट होगी तो आपकी वेबसाइट पर यूज़र आएंगे तो ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक आएगा तो आप वहाँ से जो है अर्न कर पाएंगे। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पर कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, भाई इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाओ, कैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है जिससे कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, हमारी जो है वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बेसिकली मिला जुला कर मैं यहाँ पर आप सभी के लिए 10 इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड टिप्स लेके आया हूँ, जो आपको ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। अगर आप फॉलो करते तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई इमेज ऑप्टिमाइजेशन SEO वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन टिप्स फॉर SEO। यहां पर मैंने आप सभी के लिए 10 जो टिप्स हैं जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, वो आप सभी के लिए मैंने निकाली हैं यहां पर। तो वो 10 टिप्स के बारे में मैं आपको वन बाय वन यहां पर बताने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे आपको वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो बेसिकली जो दोस्तों 10 इमेज ऑप्टिमाइजेशन टिप्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो 10 टिप्स मैंने यहाँ पर आपको बता रखी है। तो सबसे पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो है ऑलवेज़ यूज़ इमेजेस। ऑलवेज़ यूज़ इमेजेस का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि आप अपने ब्लॉग पर मीडिया कंटेंट हमेशा से यूज़ करें, अपनी हर ब्लॉग पर, अपने हर ब्लॉग पोस्ट पर। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सोचिए कि आप एक ब्लॉग पर जाते हैं और वहाँ पर आपको जो है कंटेंट बिल्कुल A1 मिलता है, जो आपको कंटेंट चाहिए उससे बेहतर कंटेंट मिलता है, लेकिन उस पर कोई भी इमेजेस नहीं है, कोई भी वीडियोस नहीं है, कोई भी इन्फोग्राफिक्स नहीं है, यानी कि उस पर जो इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव चीज़ें जिन चीज़ों से आप इंटरेक्ट कर पाएँ वैसी चीज़ें नहीं है, तो आप आई थिंक उस ब्लॉग को छोड़ देंगे, चाहे उस पर जो है A1 कंटेंट हो। और उसके मुकाबले में अगर कोई दूसरी वेबसाइट है जिस पर जो है मीडिया कंटेंट है, लाइक इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो, चाहे भले ही उसका कंटेंट इतना अच्छा ना हो, तो फिर आप जो है वहाँ पर जाएंगे। तो ऑलवेज़ यूज़ इमेजेस का मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ है ये है कि आप जो है मीडिया कंटेंट अपनी वेबसाइट पर यूज़ करें, इससे आपकी वेबसाइट पर इंगेजमेंट बढ़ेगी। तो अगर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊं, तो मान लीजिए ये मेरी एक जो पोस्ट है इसे मैं अभी पब्लिश करने वाला हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैंने पोस्ट का पूरा कंटेंट लिख दिया है, मैंने बेस्ट कंटेंट लिखा है अपने हिसाब से। तो अगर मैं देखूँ, अभी मैंने इसमें कोई भी इमेजेस नहीं डाली है, तो अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह की पोस्ट दिखेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक भी इमेजेस नहीं है, ना वीडियो है, ना कुछ, सिर्फ आपको यहाँ पर कंटेंट है, और कंटेंट मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर बेस्ट दिया है। तो अगर आपको यहाँ पर आपकी क्या, अगर मैं खुद यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं एक यूज़र हूँ, मैं इस वेबसाइट पर आता हूँ, मुझे सिर्फ कंटेंट ही दिखने को मिलेगा, ना कोई इमेज मिलेगी, ना कोई फिर वीडियो मिलेगी, ना कोई इन्फोग्राफिक मिलेगी, तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो हो सकता है मैं इस वेबसाइट को जो है स्किप करके किसी दूसरी वेबसाइट पर चला जाऊं जिस पर कंटेंट इतना अच्छा ना हो, लेकिन वहां पर जो है इमेजेस, वीडियोस वगैरह हों जिनसे मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो मेरा ऑलवेज़ यूज़ इमेजेस कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ऑलवेज़ यूज़ इमेजेस आपके कंटेंट को इंटरेक्ट बनाती हैं। तो इसलिए आपको जो अपनी वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट पर मीडिया कंटेंट यूज़ करना ही करना है। उसके बाद हमारा आता है जो दूसरी टिप है, वो है फाइंडिंग द राइट इमेज। फाइंडिंग द राइट इमेज का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि ऑलवेज़ यूज़ इमेजेस, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी इमेजेस अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर देंगे। आपने जिसके बारे में अपने वेबसाइट पर लिखा है उससे रिलेटेड आपकी इमेज होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैं पोस्ट है, अभी मैंने ये पोस्ट लिखनी है, तो मैं अभी इसे पब्लिश करूँगा। तो बेसिकली यहाँ से आप मेरी पोस्ट का टाइटल क्लियर देख पा रहे होंगे कि ये ऑफ पेज SEO के बारे में ये पोस्ट है।
तो अब इसमें जो मैं इमेजेस यूज़ करूँगा तो वो ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं यहाँ पर मेरा जो है टॉपिक है वो है ऑफ पेज एसईओ और मैं आपको इमेजेस दे रहा हूँ बैकलिंक्स की, या फिर वीडियोस में आपको बैकलिंक्स की दिखा रहा हूँ, तो इससे इंटरेक्शन नहीं होगा बल्कि यूज़र आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरा ये जो है टॉपिक है तो मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड इमेजेस यूज़ करूँगा, जैसे कि इस पोस्ट में अब मैं मान लीजिए ये वाली जो इमेज यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये जो है ऑफ पेज से रिलेटेड है, यहाँ पर जो ये कंटेंट लिखा हुआ है ये भी ऑफ पेज से रिलेटेड है, तो सिंपली ये इमेज मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोई दूसरी जो ऑफ पेज से रिलेटेड नहीं है वो इमेज यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता। तो फाइंडिंग द राइट इमेज का मतलब ये है कि आपको जो है रेलिवेंट इमेजेस यूज़ करनी है। उसके बाद आती है थर्ड टिप जो हमारी है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव्स का यहाँ पर मतलब है कि आप मान लीजिए कि आपको इमेजेस बनानी नहीं आती तो आप क्या करेंगे कि आप गूगल पे जाएंगे, कॉपीराइटेड इमेजेस उठाएंगे और अपनी ब्लॉग पर डाल देंगे, तो उससे होगा क्या कि आपके ब्लॉग पर कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो इससे जिन लोगों को कि इमेज क्रिएट करनी नहीं आती, इमेज यूज़ करनी नहीं आती, तो उनके लिए है ये ऑप्शन ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो कि बेसिकली इमेजेस के लिए वेबसाइट है उनका यूज़ आप कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे इमेजेस, वीडियोस या फिर इन्फोग्राफिक्स डालने के लिए। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे कि फ्लिकर हो गई, इमगर हो गई, फोटो बकेट हो गई, ये जो सारी है इमेज शेयरिंग वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको अपने ब्लॉग से रिलेटेड भी जो है यहाँ पर इमेजेस मिल जाएंगी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि कॉपीराइट इमेज यूज़ ना करके आप यहाँ से जो है इमेजेस उठा सकते हैं और अपने अपने ब्लॉग में यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ से आपको जो है इमेज बाय यूआरएल यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो अगर आप थर्ड पार्टी से इमेज डालते तो यहाँ पर आपकी जो है वेबसाइट की होस्टिंग उसमें आपकी जो है इमेज स्टोर नहीं होगी, आप जो है इमेजेस एम्बेड कर रहे होंगे, तो इससे आपकी जो है वेबसाइट का लोड टाइम भी कम होगा। तो आप जो है ये थर्ड पार्टी जो साइट्स हैं जैसे इमगर हो गई या फिर फोटो बकेट हो गई या फिर फोटो शेयरिंग हो गई, तो ये सारी जैसे वी हार्ट हो गई, तो ये सारी जो थर्ड पार्टी जो साइट्स हैं यहाँ से आप इमेजेस को अपनी ब्लॉग पोस्ट में एम्बेड कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव का मेरा मतलब ये था कि अगर आपको इमेजेस नहीं आती बनानी या फिर आप जो है गूगल से कॉपीराइटेड इमेजेस उठाते हैं तो वो ना करके आप थर्ड पार्टी वेबसाइट की इमेजेस ले सकते हैं, उनका यूआरएल, बेसिकली इमेजेस का यूआरएल लेके अपने ब्लॉग में एम्बेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिंपली एक एम्बेड करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। अब मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ SEO, ठीक है, SEO से रिलेटेड मुझे यहाँ पर इमेजेस मिल जाएंगी। अब मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मेरी है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली इमेज है, अब मुझे अब इसको अपने ब्लॉग में एम्बेड करना है, अपने ब्लॉग में डालना है। तो अगर आप यहाँ से यूआरएल के थ्रू अपने ब्लॉग में एम्बेड करते हैं तो आपको कॉपीराइट इशू नहीं आने वाला, 100% नहीं आने वाला। तो सिंपली आपको करना क्या है कि इस इमेज का लिंक लेना है, तो आपको इमेज का लिंक लेना है और आपको जो अपने ब्लॉग में एम्बेड कर देनी है। तो चलिए हम इस इमेज का लिंक जो है यहाँ से ले लेते हैं। तो सिंपली मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से जो है ये जो पूरी इन्फोग्राफिक है तो इसका लिंक ये रहा, लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्लॉग पोस्ट में जाता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, तो आपको इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करना है। एम्बेड का मतलब यही है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट की इमेजेस को आप अपने में यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैंने यूआरएल डाला और एंटर पेस्ट कर दिया, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरी जो इन्फोग्राफिक थी वो यहाँ पर एम्बेड हो गई है। तो आप इससे जो आपको कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा, यहाँ पर जो है कैप्शन में आप जो है वेबसाइट का सोर्स भी दे सकते हैं। तो ये जो है एम्बेड करने का ये तरीका है। तो इस तरह से आप जो है ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जो है ये चीज़ें नहीं आती है, इमेज क्रिएट करनी नहीं आती है। तो आई होप आपको जो हमारी थर्ड टिप थी ऑल्टरनेटिव्स की वो समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पेज ब्लॉगिंग Q&A पर। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी चौथी टिप है वो है चूज़ दी राइट फाइल नेम। अब चूज़ दी राइट फाइल नेम का मतलब क्या है यहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज़ मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने इस ब्लॉग के लिए ये वाली इमेज जो है यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो इस इमेज का जो अभी नेम है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अनटाइटल्ड डॉट पीएनजी, ये इस इमेज का नेम है, ठीक है। और हमारे जी जो चौथी SEO टिप है चूज़ द राइट फाइल नेम,
मतलब आपको फाइल का नेम राइट चूज करना है। तो इसके लिए आप जब भी अपने सिस्टम में या फिर कहीं पर भी इमेज जो है आप डाउनलोड करते हैं या फिर खुद से बनाते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस इमेज का नाम अनटाइटल्ड है। तो आप जो इमेज का नाम पहले से रीनेम कर लें यहाँ पर, ये यह नहीं कि आप अपने ब्लॉग पर अपलोड करें उसके बाद जो है इमेज का नाम चेंज करें, अपलोड करने से पहले ही आपको इमेज का नाम चेंज करना है। तो मेरे केस में अगर अब मैं देखूँ तो मेरी ये पोस्ट है ऑफ पेज SEO के बारे में, तो मेरा मेन कीवर्ड है ऑफ पेज SEO। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली इमेज पर जाना है, जो आपका कीवर्ड है या फिर कीवर्ड से रिलेटेड आपको जो है इमेज का नाम देना है, यानी कि राइट नेम जो है आपके, जिससे कि आपकी इमेज रैंक हो पाए और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ पाए। तो सिंपली आपको राइट क्लिक करके रीनेम करना है, और रीनेम में जो आपको नाम देने रहना है। तो सिंपली मेरा जो है अब नाम बिल्कुल कीवर्ड वाइज आ चुका है, तो मेरी इस फाइल का नाम बिल्कुल सही हो चुका है। तो यहाँ पर जो थी हमारी फिफ्थ टिप, चूज़ द राइट फाइल नेम, उसका मतलब यही था कि आपको जो फाइल का नेम है वो अपने कीवर्ड के हिसाब से, अपने ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से रखना है। उसके बाद जो पांचवी टिप है वो है चूज़ द राइट फॉर्मेट। राइट फॉर्मेट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं इमेजेस के, जैसे कि PNG हो गया, JPEG हो गया, और भी बहुत सारे जैसे GIF हो गया। तो ये सारे जो हैं अब यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सी इमेज यहाँ पर, इमेज फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर चूज़ JPEG फॉर लार्ज फोटोज़ और इलस्ट्रेशन, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कलर एंड क्लैरिटी विद रिलेटिवली स्मॉल फाइल साइज। अगर आप अपने ब्लॉग पर लार्ज फोटोज़ या इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप JPEG फाइल यूज़ करें, इमेज का जो फॉर्मेट है वो JPEG रखें। इससे क्या होगा कि आपकी जो है इमेजेस की कलर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बेटर क्लियरिटी मिलेगी आपको, और जो है स्मॉल साइज में आप जो है इमेज ले पाएंगे। उसके बाद PNG इमेज, जो दूसरा फॉर्मेट होता है, इसको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपका जो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगा, यानी कि जिन इमेजेस में आपके पीछे कोई भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप जो PNG इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो PNG इमेजेस होती इसलिए जिसमें आप जो है बैकग्राउंड वहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है WebP, यानी कि वेब पेजेस PNG। तो अगर आप जो है हाई क्वालिटी रिजल्ट देना चाहते हैं कम साइज में, तो आप WebP जो है फॉर्मेट इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको टूल भी मिलता है स्क्वॉश, जिसके थ्रू कि आप JPEG या PNG फाइल्स को WebP फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका साइज़ कम कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर लार्ज फोटो है तो आप JPEG यूज़ करिए, अगर आप PNG ट्रांसपेरेंट वाली फ़ोटो है तो आप वहाँ पर PNG फाइल यूज़ करिए, अगर आपकी जो है हाई क्वालिटी रिजल्ट्स आते हैं स्मॉल साइज में, तो WebP जो है यहाँ पर यूज़ करिए। और ये जो यहाँ पर SVG भी, अगर जैसे कि आपकी वेबसाइट के लोगोज़ होते हैं, फेविकॉन्स होते हैं, तो उसके लिए जो आप SVG इमेज फॉर्मेट यूज़ करिए। तो ये थी जो हमारी यहाँ पर दोस्तों फिफ्थ टिप, चूज़ द राइट फॉर्मेट। उसके बाद है यूज़ रिस्पॉन्सिव इमेजेस। रिस्पॉन्सिव इमेजेस का मतलब यहाँ पर है कि जब भी आप इमेज अपलोड करें, तो वो आप जब भी आपकी वेबसाइट, चाहे मान लीजिए डेस्कटॉप पर ओपन हो रही है या मोबाइल पर, तो वो जो इमेज है अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाए, यानी कि अगर डेस्कटॉप पर आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है तो डेस्कटॉप के हिसाब से जो है इमेज ओपन हो जाए, और अगर वो मोबाइल पर आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है तो मोबाइल के हिसाब से जो इमेज है वो रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो रिस्पॉन्सिव इमेज का मतलब ये है। तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर साइज चाहिए होगा, जो कि आपको जो है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट पर क्या इमेज साइज है, जिसके थ्रू कि आपकी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं वो रिस्पॉन्सिव आए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव का मीनिंग आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो 7th टिप है, रिड्यूस फाइल साइज। रिड्यूस फाइल साइज का यहाँ पर दोस्तों मतलब है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कि आपकी जो है इमेजेस की क्वालिटीज़, बिना क्वालिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए आपकी इमेजेस का साइज़ कम कर देना। तो इसके लिए आप जो है काफ़ी सारे टूल्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली tinypng.com जो है टूल यूज़ करता हूँ इमेज कंप्रेशन के लिए, नहीं तो आप imagecompression.io जो टूल भी है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लाइव कंप्रेस करके दिखाता हूँ। तो सिंपली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इमेज है, ये मुझे यूज़ करनी है। तो सिंपली अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो इस इमेज का साइज़ है अभी 67.4 KB। ठीक है, तो अब हम इसे कंप्रेस करते हैं। तो सिंपली मैंने tinypng.com ओपन किया, यहाँ पर मैं
इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो इमेज थी मैंने सिलेक्ट कर ली है, ये इसका जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे इमेज का ओरिजिनल साइज़ ये है, और कंप्रेस होने के बाद 21.2 KB की ये हो गई है। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे कितना परसेंट यहाँ पर 69% कंप्रेस हो गई है, और जो है आपको जो है क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। तो सिंपली चलिए मैं आपको इसको इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने डाउनलोड कर ली, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोनों इमेज सेम है, आपको जो है क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, लेकिन साइज़ में डिफरेंस हो गया है। तो साइज़ कम होने से दोस्तों होगा क्या कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होगी, इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ होगी, आपकी वेबसाइट का जो लोड टाइम कम से कम होगा, जिससे कि यूज़र आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा आएंगे, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। तो कंप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमेज SEO का। आपको अपनी वेबसाइट की हर इमेज को कंप्रेस करने के बाद अपनी वेबसाइट पर यूज़ करना चाहिए। इसमें आप जो है बहुत सारे इमेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्रेशन के प्लगइन भी आते हैं, वो सभी भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो था रिड्यूस फाइल साइज 7, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका आता है कैप्शंस। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल जो है इमेजेस को रीड नहीं करता है, वो रीड करता है इमेजेस के टाइटल को, उनके ऑल टैग्स को, उनके कैप्शंस को। तो यहाँ पर आपको जो इमेजेस के कैप्शन वगैरह ये चीज़ें देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी फाइल अपलोड करता हूँ, तो सिंपली मैं मान लीजिए ये फाइल जो है अपलोड करता हूँ, तो सिंपली इसका मुझे यहाँ पर आपको यहाँ पर इसके कैप्शंस, ऑल टैग्स, टाइटल टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीज़ें आपको मैंडेटरी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपकी जो है इमेज चाहे कितनी ही बढ़िया हो वो रैंक ना करे, या फिर गूगल उसे रीड ना कर पाए। तो इमेजेस को रीड करवाने के लिए मेन चीज़ें यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे जो मेन प्रायोरिटी बेसिस पे होता है वो होता है ऑल टैक्स। ऑल टैक्स के बाद आपका जो आता है कैप्शन, उसके बाद टाइटल भी आपको देना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी देना है। तो यहाँ पर आप अपने जो है कीवर्ड्स दे सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए जो मेरा जो ये है मेन जो कीवर्ड है ये व्हाट इज़ ऑफ पेज SEO, तो सिंपली यहाँ पर मैं ये जो है यहाँ पर इसका टाइटल भी, इमेज का टाइटल ये देने वाला हूँ, कैप्शन भी सेम देने वाला हूँ, ऑल टैक्स भी और डिस्क्रिप्शन भी। तो दोस्तों याद रखिए कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के सबसे मेन चीज़ें यही हैं। तो ये आपको हर इमेज में करनी ही करनी है। जो सबसे मेन डिफरेंस 70% डिफरेंस आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आने वाला है वो इन्हीं से आने वाला है, टाइटल से, कैप्शन से, ऑल टैग से, डिस्क्रिप्शन से। तो आपको ये करनी ही करनी है। तो ये चीज़ें आपको करनी है जो मेन ऑप्टिमाइजेशन है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कैप्शन, ऑल टैग्स और जो है टाइटल टैक्स, ये चीज़ें देनी है। और उसके बाद जो आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी कि आप अपनी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट साइड में। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर अपनी पर्सनल ब्लॉग में प्रेफर करता हूँ कि मैं जो सेंटर में रखता हूँ। सेंटर में रखने से होता क्या है कि जो अपीरियंस है, जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो लोगों को, जो यूज़र्स हैं, उन्हें थोड़ा इंटरेक्ट करने में इजी होता है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ कि अपनी सारी इमेजेस को सेंटर अलाइनमेंट रखता हूँ। तो दोस्तों आप जो हैं जैसा आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया है, अब अगर मैं आपको इस पोस्ट का प्रीव्यू दिखाऊं, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था सिर्फ कंटेंट था, तो उसमें कोई इंगेजमेंट लग नहीं रही थी कि अगर यूज़र आएगा भी तो इंगेजमेंट होगी यहाँ पर। तो अब जैसे मैंने एक इमेज अपलोड कर दी, तो यूज़र आएगा तो उसे सिर्फ कंटेंट नहीं दिखेगा, यहाँ पर इमेजेस भी दिखेंगी। इससे होगा क्या कि यूज़र का थोड़ा इंगेजमेंट आएगा, उसे इंटरेस्ट आएगा, तो वो हो सकता है कि पूरी ब्लॉग को यहाँ पर रीड करे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इमेज आ गई, पहले इमेज नहीं थी, तो यहाँ से थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ सकती है। तो दोस्तों मेन जो टिप्स थी वो ये 10 टिप्स थी इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। और उसके बाद अगर मैं आपको कुछ बोनस टिप्स यहाँ पर बताऊँ, तो यहाँ पर कुछ मैंने 4 बोनस टिप्स जो मैं बताना चाहूँगा कि क्रिएट शेयरेबल इमेजेस, कुछ ऐसी शेयरेबल ऐसी इमेजेस बनाइए जो लोग उसे शेयर करें, यानी कि सोशल मीडिया पे। तो उससे होगा क्या कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगा, इंगेजमेंट भी बढ़ेगी, और जो है आपकी वेबसाइट पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आएंगे। उसके बाद जो दूसरी टिप है एम्बेड यूट्यूब वीडियोस, एम्बेड यूट्यूब वीडियोज़ यानी कि आप अपनी पोस्ट में जो है यूट्यूब वीडियोज़ को एम्बेड करें। तो अगर आपका खुद का YouTube चैनल नहीं है तो किसी दूसरे की YouTube वीडियोस भी आप एम्बेड कर सकते हैं। इसमें आई थिंक कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं देगा, क्योंकि आप अगर अपने ब्लॉग में YouTube वीडियोस को एम्बेड करते हैं तो इनडायरेक्टली जिनका YouTube चैनल है उनका प्रमोशन ही हो रहा है। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देगा। अगर आपका खुद का YouTube चैनल है
तो वेल एंड गुड, आप उन वीडियोस को जो है अपने यूट्यूब चैनल, अपनी ब्लॉग पोस्ट में एम्बेड करें, नहीं तो किसी दूसरे की भी जो रेलिवेंट यूट्यूब वीडियोस हैं वो एम्बेड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस को भी अपने ब्लॉग पोस्ट में एम्बेड कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे डायरेक्टली प्रमोशनल ही होता है। उसके बाद इन्फोग्राफिक्स, तो आजकल आप देख पा रहे होंगे कि ज़माना इन्फोग्राफिक्स का है, लोग इन्फोग्राफिक्स बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, उस पर इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करें। उसके बाद जो वन ऑफ द मेन है जिससे कि आप इमेज शेयरिंग के लिए प्लेटफॉर्म, पिंटरेस्ट का 100% यूज़ आप करें। पिंटरेस्ट जो है बेस्ट वेबसाइट मानी जाती है इमेज शेयरिंग के मामले में, यहाँ पर से आप मान नहीं सकते मिलियंस ऑफ मिलियंस ट्रैफिक भी अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। तो दोस्तों यही थी जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड SEO टिप्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड आप ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिस कर देंगे जो आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो मेक श्योर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।